हेलो दोस्तों, वेलकम टू CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेडमी के सेट में जो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड एरर आता है उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ये प्रॉब्लम हर बार MMC नहीं होती है, सॉफ्टवेयर से भी सॉल्व हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? देखिए, जैसे आपका सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो पाया तो उसकी वजह से भी आता है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे मोबाइल को फ्लैशिंग करके ऑन कर दिया है। अब मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। और ये इसमें वॉइस बैकग्राउंड हो सकती है क्योंकि ये क्लास का वीडियो है, तो इसमें जो है फैन वगैरह की आवाज़ आती रहती है, तो और कुछ वॉइस भी आते रहता है। तो देखिए, आप वीडियो को समझिए, हम लोग क्लास में हैं और यहाँ पे डायरेक्ट सिखा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट हैं जो कुछ मोबाइल शॉप वाले भी आते हैं तो वो लोग ले करके आते हैं, तो उस वीडियो को हम लोग क्लास में फ्लैशिंग भी कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो यहाँ पे और आपको समझ में आएगा। और आप भी पहले उसको सॉफ्टवेयर कीजिए और अगर उसके बाद नहीं होता है तब आप MMC पर जाइए। और आप अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो देखिए आप और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इसमें फ्लैशिंग करना बताया हूँ। ठीक है, और मॉडल नंबर पीछे स्टिकर में लिखा रहता है, तो कवर निकालते हैं और देखिए मॉडल नंबर तो शायद पता नहीं चल पाएगा। इसमें मिट गया है, लिखा है कुछ कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ M2001C3K3I। खुल जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे XIVMI। डुअल का एडियल पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है। AT का भी पता चलेगा और डुअल का भी पता चलेगा। कनेक्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक छोड़ देता हूँ। आजकल का फोन में उड़ता नहीं है जल्दी से। कोई प्रॉब्लम, जैसे इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम भी आता है ना IMEI नंबर का, मतलब अगर WTR सही से नहीं काम कर रहा है तो IMEI नंबर नहीं शो करता आपको। WTR जियो के फ़ोन में अगर आएगा IMEI आ रहा है, गायब हो रहा है, आ रहा है, गायब हो रहा है, तो उसमें WTR निकाल के रिवॉल्व करना, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो फ्लैशिंग चालू हो गई है, हो रही है। किसको इसी को हो रहा है, ये स्क्रीन वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो फ्लैशिंग चल रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब जैसे कभी कभी मान लो मोबाइल नहीं रहता है तो ऐसे वीडियो, मतलब जितना भी मोबाइल करते हैं सब रिकॉर्ड मारते रहते हैं, और उसमें रहता है स्टूडेंट जाता भी है ना, तो कॉपी करके उसके हार्ड डिस्क में वीडियो डाल देता हूँ, फाइल देता हूँ और वीडियो भी डाल देता हूँ, तो बाद में क्लिक करके चाहे तो देख लिया ऐसे करके। जैसे कभी भूल गया तो इंटरनेट में तो बहुत सारा वीडियो रहता है, लेकिन जैसे कोई किया रहता है सामने में बैठ करके एक बार देखता है तो याद आ जाता है, ऐसा रहता है। जगह खाली है तो डाल देते हैं, नहीं जगह खाली है तो कोई बात नहीं।
ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। हम लोग इसको चालू करके देखते हैं। इसको हम लोग मैचिंग तो ले लिया, अब देखेंगे ऑटोमेटिक पोर्ट नहीं आना चाहिए। ऑटोमेटिक पोर्ट आ रहा है इसका मतलब सॉफ्टवेयर सही नहीं लिया। डिस्कनेक्ट किया तो इसे देखिएगा, निकाला केबल को, फिर से रिक्लिक किया, मेरा काम तो जैसे यहाँ पर दिया गया था और चार्जिंग छोड़ रहे हैं। खुल जा सेम खुल गया, ये डुअल है, ठीक है।